जिला कांगड़ा के उपमंडल नगरोटा बगवा के रौखर क्षेत्र में एक ही परिवार के सदस्य ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी। आरोपी ने दोनों पर दो दो गोलियां चलाई और दोनों की हत्या करके मौके से फरार हो गया। आरएफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। दोनों शवों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में आज यानी कि शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में नाकाबंदी की है तथा प्रदेश भर में पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। आरोपी की पत्नी को डिटेन किया गया है तथा आगामी कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि दोनों भाइयों में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों आए दिन कहासुनी होती रहती थी। वीरवार सुबह भी दोनों परिवारों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये घटना पेश आई। आरोपी के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ही आगामी तथ्य सामने आ पाएंगे। आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस बंदूक से गोली मारी गई है ये लाइसेंस शुदा हथियार है। हर पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। बंदूक में डाली गई गोलियां कहां से खरीदी गई थी और किस मैटर में यूज हुए हैं, ये भी पुलिस जांच का विषय है। मौका वारदात से गोलियों के 4 खोल बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यही लग रहा है कि दोनों ही मृतकों के दो दो गोलियां मारी गई हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसमें कुछ नई चीजें सामने आती हैं तो सिनेरियो चेंज होगा। ये कल ये एक काफी शॉकिंग इंसिडेंट जो है नगरोटा के रौंखड़ गाँव में जो है ये घटना घटित हुई थी, जिसमें लगभग दोपहर के 2-2.5 बजे के करीब ये घटना घटित होना समझ में आ रहा है, जिसमें एक परिवार के ही व्यक्ति ने अपने बड़े भाई और भाभी पे जो है दो दो गोलियां जो हैं उनको हिट करी, जिसकी वजह से मौके पे ही उन दोनों की मृत्यु हुई। और ये जो एक्यूज्ड है ये मौके से ही जो है फरार वहां से हो चुका है, जिस पे नगरोटा पुलिस स्टेशन की टीम और मैं भी मौके पे हम लोग गए थे और आरएफएसएल की टीम ने भी वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो आज जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में शव जो है उसका पोस्टमार्टम दोनों का करवाया गया है और बॉडीज परिजनों को हैंडओवर करिए। और इसमें जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ने के लिए मल्टीपल टीम्स जिला भर में और जिले के बाहर जो है अपनी गतिविधियां कर रही हैं और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको डिटेन करके जो है इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस व्यक्ति को हम पकड़ लेंगे और इस केस को फर्दर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस बढ़ाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों जो भाई हैं उनमें जो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेके काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था और इसी दौरान उनकी जो है आपस में कहासुनी जो है कंटिन्यूसली रेगुलरली होती रहती थी। कल भी जो है सुबह के समय जो है इस तरह की नोकझोंक दोनों परिवारों के बीच में हुई है और जिसके चलते ये घटना जो है घटित हुई है। और इसमें प्राइम ऑफ साय जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है वही वजह लग रही है, लेकिन जैसे एक्यूज को जब पकड़ा जाएगा और उसका जब इंटेरोगेशन कंप्लीट होगा तभी निश्चित तौर पे इसको वर्कआउट किया जा सकता है। मामला जो है ये धारा 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और क्योंकि ये जो वेपन है ये लाइसेंस्ड वेपन बताया जा रहा है तो उस पहलू पर भी पुलिस जो है जाँच आगे बढ़ा रही है। और जो गन शॉट्स हैं वो कहाँ से परचेज हुए थे और किस तरह से इस मैटर में यूज़ हुए हैं वो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय इसमें रहेगा। देखिए मौके के हालात से 4 जो है राउंड्स फायर होने प्रतीत होते हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में कितने जो प्राइम ऑफ साय जो एग्जामिनेशन था स्पॉट पे उसके हिसाब से 2-2 बुलेट्स जो हैं दोनों जो डिजीज्ड हैं उनको हिट करिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम इंतज़ार है। यदि उसमें कोई नई चीज़ आती है तो ये सिनेरियो चेंज होगा, लेकिन फिलहाल 4 बुलेट्स फायर होना जो है वहाँ पे मौके के निरीक्षण में पाए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंद्रपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।